हाय फ्रेंड्स, इट इंडियन ब्यूटी चैनल सुष्मिता। एज यू नो, मैं हूँ सुष्मिता। आज मैं एक डिफरेंट टाइप की वीडियो लेके आई हूँ, जो कि हमें हर गर्ल्स की एक छोटी मोटी प्रॉब्लम इस वीडियो के ऊपर रहता ही है और मेरे थंबनेल में भी है, जो कि है डाइट फाउंडेशन के ऊपर। यानी कि हम कैसे अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग या फिर हमारी शेड के अकॉर्डिंग करेक्ट फाउंडेशन मिलेगा। इसके लिए आप को कुछ ही रूल्स या फिर कुछ ही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप पा सकती है आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग परफेक्ट मैचिंग फाउंडेशन। क्योंकि फाउंडेशन के कुछ डू और डोंट्स होते हैं, वो हमें देखना ज़रूर चाहिए। नहीं तो फाउंडेशन अगर हम खरीद लेंगे तो हमारी स्किन बहुत ख़राब दिख सकती है और स्किन डैमेज भी कर सकती है। इसीलिए इस रूल को फॉलो कीजिए और पाइए इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी स्किन मैचिंग हुआ या फिर स्किन अकॉर्डिंग राइट शेड फाउंडेशन। चलिए देख लेते हैं आज के फुल वीडियो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नंबर वन, हम सारी लड़कियाँ या फिर सारी नहीं, 50-50% तो हो ही जाती है, जब हम लोग कोई भी शॉप में जाते हैं फाउंडेशन खरीदने के लिए, तो हम लोग फाउंडेशन की जो टेस्टर आती है वो हम लोग इधर हाथ पे या फिर हैंड में अप्लाई करके देखते हैं कि फाउंडेशन कैसे ब्लेंड हुआ, और वाइटनिंग इफेक्ट आती है, हम लोग फाउंडेशन खरीद लेती है, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है। क्योंकि मैं भी एक टाइम में वैसा ही करता था, लेकिन ये राइट नहीं है। हमारी फेस की जो कलर है और हमारी हैंड की जो कलर है, दोनों कितना डिफरेंस है। फेस के लिए जो कलर है हमें वही चूज़ करना है, ना कि हाथ के लिए। क्योंकि हाथ का जो फाउंडेशन हम लोग मैच करके लेंगे, वो फेस में लगाएंगे तो बहुत ही डार्क शेड हो जाएगी। तो हमें हमारी फेस में ही फाउंडेशन को अप्लाई करके फिर मिलता जुलता जो शेड है वही लेना है, हाथ में नहीं। अब दूसरा, हम लोग ऑनलाइन से अगर फाउंडेशन को ख़रीदते हैं, अगर हमें फाउंडेशन की जो कंपनी हम ख़रीदते हैं, लैक्मी हो, लॉरियल हो, या फिर मेबलिन हो, ब्लू हेवेंस हो, इस तरह के बहुत सारी कंपनियां होती है जो हम लोगों को पसंद होती है फाउंडेशन के ऊपर, तो फाउंडेशन ख़रीदने से पहले अगर आपको वो वाला फाउंडेशन हम पहले यूज़ कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आपको शेड पता होगी, तभी वो शेड और वो कंपनी आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। क्योंकि आपको पहले से पता है वो आपकी स्किन टोन में करेक्ट है। अदरवाइज़ अगर आपको आपकी वो कंपनी के बारे में, यानी कि राइट शेड आपको पता नहीं है, और आप ऑनलाइन देख के वो शेड खरीद लेते हैं या फिर वो शेड आप ले लेते हैं, तो आप हो सकती है कि आपकी स्किन में वो ना मिले, यानी आपकी मनी वेस्ट हो जाएगी। तो मनी वेस्ट के पहले थोड़ा सोच समझ के ये स्टेप लीजिएगा। नंबर थ्री, हम लोग सुपर मार्केट या फिर कोई भी मॉल जाके या फिर कोई भी लोकल शॉप से जब भी कॉस्मेटिक उठाते हैं, यानी कि फाउंडेशन खरीदने जाते हैं, तो हमें वहाँ पे टेस्टर मिलता है, जिसी भी ब्रांड के भी आप कॉस्मेटिक ले या फिर फाउंडेशन ले। हम कोशिश करें अपनी हाफ फेस में कुछ भी ना लगाए, और हाफ फेस में हम जो फाउंडेशन खरीद रहे होते हैं उसको लगा के डे लाइट में, यानी कि अगर डे के टाइम पे आप कोशिश करिए डे के टाइम में फाउंडेशन खरीदे, क्योंकि उसमें आपकी परफेक्टनेस क्लियर आ जाएगी। अगर आर ना हो तो आप डे लाइट के तरह भी जो भी लाइट शॉप में है उसमें अच्छी तरीके से हाफ ऑफ द फेस में वो फाउंडेशन अप्लाई करके फिर आपकी जो पार्ट होता है दूसरा, यानी हाफ फेस में जिसमें आप फाउंडेशन ना लगाया हो, दोनों को अच्छी तरीके से मिला के देखिए कि मिलता जुलता है कि नहीं, तब जाके वो फाउंडेशन आप खरीदे। अदरवाइज ना मिले या फिर केकी लगे या फिर डार्कर लगे स्किन, ना ले। नंबर फोर, ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग जिस तरीके से भी फाउंडेशन खरीद लेते हैं तो फाउंडेशन लाइटर सेट हो जाती है हमारी स्किन टोन में, तब क्या करें, वो फाउंडेशन को वेस्ट कर दें? नहीं, उसका दो उपाय है। एक तो वो फाउंडेशन में आप थोड़ा सा कॉन्टोर ऐड कर लीजिए, आपकी स्किन अकॉर्डिंग हो जाएगी, या फिर आप उसको दूसरे टाइम, मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगी दूसरी टाइम आप कैसे उस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्टेप है इसमें मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा कॉन्टोरिंग आप उसमें ऐड कर लीजिएगा फाउंडेशन के साथ, तो आपके स्किन टोन अकॉर्डिंग वो मिल जाएगी। अगर डार्क शेड
थोड़ा चाहिए, लाइट शेड हो गया है फाउंडेशन। 5 यानी कि अगर आप फाउंडेशन कोई भी डार्क शेड उठा लेते हैं या फिर ऑनलाइन परचेस कर चुके हैं तो आपके स्किन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है आप स्किन में अप्लाई करते हैं तो अपने फाउंडेशन में 2 to 3 ड्रॉप उस मॉइस्चराइजर को ऐड कर लीजिए। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से वो जो फाउंडेशन की कलर है वो चेंज हो जाएगी, आपकी स्किन अकॉर्डिंग आ जाएगी। आप टेस्ट करके ज़रूर देखिए। नंबर 6, अपनी स्किन अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन खरीदना है, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग अलग होती है। किसी की ऑयली होती है, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की ड्राई, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा फाउंडेशन खरीदने से पहले या फिर खरीदने के टाइम पे फाउंडेशन में हमेशा वो चेक कर लीजिएगा कि उसमें क्या लिखा है। ऑयली यानी ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए है, नॉर्मल यानी नॉर्मल स्किन वालों के लिए है, कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए है, ड्राई तो ड्राई स्किन वालों के लिए। ऐसा नहीं कि मार्केट से जाया और कुछ भी उठाया और अपनी स्किन में थोप दिया, वो ऐसा नहीं होता है। उससे भी मेकअप खराब दिख सकता है। आप कोशिश कीजिए अपने स्किन अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन को खरीदे, इससे मेकअप एकदम परफेक्ट आएगी और आपकी स्किन में भी कोई भी एलर्जेटिक या फिर रैशेज, ब्लेमिशेज कुछ भी नहीं आएगी। यही होता है कॉस्मेटिक की छोटी मोटी मिस्टेक जो हम लड़कियां कर तो लेते हैं और बाद में बोलते हैं ये हमारे ऊपर सूट नहीं आई। ऐसा नहीं होता है, हम लोगों की गलती आती हमारी मेकअप को खराब करती है। 7, हम लोग फाउंडेशन अपनी स्किन में अप्लाई करते हैं, हमारी नेक में अप्लाई करती है और फेस हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट है जो हमें सबसे पहले दिखता है। तो कोशिश कीजिए फाउंडेशन हमारी स्किन को ख़राब ना करे, इसलिए थोड़ा ब्रांडेड ही खरीदे। बहुत सारा ऐसा लोकल फाउंडेशन होता है जो इजीली मार्केट में या फिर लोकल शॉप में अवेलेबल होता है, उसके यूसेज के बदले में थोड़ा बहुत वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए। और बता रही हूँ कि लोकल छोड़ के थोड़ा अगर आप ब्रांडेड फाउंडेशन लेती है तो उसकी पिगमेंटेशन भी अच्छी आती है और स्किन की कोई भी रैशेस या फिर कोई भी खतरा होने की डर भी नहीं रहता है। तो आप कोशिश कीजिए फाउंडेशन थोड़ा अच्छी क्वालिटी के ही खरीदें। नंबर 8, हमारी समर सीजन में हम लोग लड़कियाँ या फिर बॉयज़ को भी आती है, लेकिन काफ़ी हद तक लड़कियाँ भी इससे टेंस रहते हैं कि हमारी टैनिंग हो गई है और विंटर में हमारी स्किन में मॉइस्चराइजर ऐड होती है तो उतना टैनिंग नहीं आता SPF लगाने के बाद। थोड़ा बहुत आ भी जाता है तो विंटर में चला जाता है, क्योंकि हम लोग मॉइस्चराइजिंग बहुत सारे अप्लाई करते हैं, सन टैन, सन ब्लॉक सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन समर में आप सन ब्लॉक लगाइए, एंटी टैन कराइए, डी टैन कराइए, कुछ भी कराइए, लेकिन एक टैनिंग तो आती है। मैं पहले वाला स्टेप में नंबर 4 या 5 में मैं बोल रही थी, अगर आपकी फाउंडेशन डार्कर शेड आ गई है या फिर आप, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि डार्कर शेड में मॉइस्चराइजर ऐड करने से लाइट हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत गोलमाल का आसपास का सेट आ गया हो, जैसे कि थोड़ा बहुत लाइट थोड़ा बहुत डार्क आपकी स्किन अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, तो पैसे को वेस्ट मत कीजिएगा। इस टाइम आपको काम आएगी, क्योंकि समर में टैनिंग आती है तब जाके आपको थोड़ा बहुत डार्कर शेड फाउंडेशन लगेगा, आपको अलग से खरीदने का तब ज़रूरत नहीं पड़ेगा। या फिर विंटर में थोड़ा बहुत लाइट शेड का आपको लगेगा। तो अगर कोई भी 19-20 का फर्क फाउंडेशन में हो गया, जैसे कि स्किन टाइप हो या फिर कलर हो, तो आप उसको वेदर के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, उसे वेस्ट मत कीजिए। नंबर 9, अगर आप बिगिनर है यानी कि आप पहले बार में या फिर आप मेकअप स्टार्टिंग ही किया हुआ है, इस टाइम पे अगर आप कोई भी फाउंडेशन खरीद रहे होता हो तो आप ब्रांडेड कीजिए, ब्रांडेड लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फुल कवरेज वाला जो फाउंडेशन आता है उसे मत लीजिए, क्योंकि बिगिनर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग, जो कि नहीं होता है। लेकिन आप हैबिचुएट है या फिर आप बहुत दिनों से मेकअप कर रहे होते हैं या फिर कर रहा है जो भी, अगर आपको ये पता है कि ब्लेंडिंग प्रॉपर कैसे करना है, तब भी आप जाके फुल कवरेज फाउंडेशन उठाइए। अदरवाइज बिगिनर के लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि फुल कवरेज फाउंडेशन ना ले, क्योंकि फुल कवरेज फाउंडेशन को अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं करना करने से
स्किन बहुत ख़राब दिख सकता है, केक ही पैची जैसा लुक आ जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल टू मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन बिगनर के लिए मैं बता रही हूँ खरीदते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी या फिर थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग 19-20 हो भी गया वो दिखेगा नहीं, लगेगा कि आपका स्किन का ही पार्ट है। और लास्ट जो स्टेप है नंबर 10, मैं अपनी स्किन के ऊपर करके दिखा रही हूँ कि आपको राइट चूज कैसे फाउंडेशन को यूज़ करना है। ये है मेरा जॉ लाइन, और जॉ लाइन में ही आपको फाउंडेशन एक के बढ़कर एक अप्लाई करके देखना है कि कौन सा राइट शेड है, तब जाके उसे खरीदिए। अब मैं अप्लाई करके मिलती हूँ। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे, यानी कि मेरे जॉ लाइन एरिया पे बहुत सारे डार्क लाइट शेड की फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है। यानी कि मैं जब भी फाउंडेशन खरीदना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कोई भी नया ब्रांड का अगर मैं फाउंडेशन ले रही हूँ, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने सारे स्टेप बताए हुए हैं वो सारे स्टेप फॉलो करती हूँ। और फिर भी जज करने के लिए मैं अपनी जॉ लाइन एरिया पे इस तरीके से मेरी स्किन अकॉर्डिंग जो भी फाउंडेशन मिलता जुलता है, यानी कि थोड़ा लाइट थोड़ा डार्क, इस तरीके के मैं अपनी जॉ लाइन पे अप्लाई करती हूँ। और अप्लाई करने के बाद जैसे मेरा पहले से जो 2 नंबर की शेड है मेरे स्किन अकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं ये 2 नंबर की शेड। मैं अगर फाउंडेशन खरीदूंगी तो ये नंबर 2 जो है मैं इसको पिक करूंगी। तो इस तरीके के मेरे स्किन अकॉर्डिंग जो शेड है मैं उससे जाके ही पिक करती हूँ, ना कि ये सब। इससे क्या होता है, मेरी स्किन जो है वो पिक्चर परफेक्ट के साथ साथ मेरी स्किन की जो सेकेंड कोट है मेकअप की वो भी परफेक्ट आती है। बहुत सारा केकी या फिर पैची ये सारा लुक नहीं देता है, जो कि एक नेचुरल लुक होता है। लगेगा ही नहीं कि आप कुछ अप्लाई किया हुआ है, लगेगा आपका स्किन जो नेचुरली। हम लोग फाउंडेशन को क्यों यूज़ करते हैं, हमारी स्किन में जो डार्क स्पॉट ब्लेमिशेस जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है उसके कवर करने के लिए, गोरा होने के लिए नहीं। तो फाउंडेशन हमें हमारी स्किन टोन अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि मेरे ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल रहा होगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के बाद पास की जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जैसे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और लाइक करके बताइएगा मेरे वीडियो कैसा लगा। और बहुत जल्दी यानी 30 to 40 डे, 30 to 25 डे ऐसे आसपास दुर्गा पूजा है, तो गर्ल्स अभी जाके राइट फाउंडेशन उठाओ और अपनी स्किन की जो मेकअप है उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि दुर्गा पूजा में पैंडल होपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ नवरात्रि भी है। तो जल्दी से जाओ और मेरे वीडियो को जाते जाते लाइक करके जाओ।